बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विमेन केयर सेंटर से नसरीन खान। आज तीसरे चैप्टर की दो मजीद सूरतों के साथ सूरत ताहा और सूरत अल-अंबिया। पीछे हमने जो सूरत काहफ और सूरत मरियम में पढ़ा, ये उसी से रिलेटेड है, यानी इसमें भी अजाब, आखरत, तंबीह, ये सारे मामलात ज़ेर बहस हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा ख़िताब अल्लाह ताला ने किया है वो डायरेक्टली नबी पाक से किया है और उनको सब्र और इंतज़ार के लिए तलकीन की है, और साथ ही साथ मुखालिफीन की वजह से जो उनके उनको दुख और बोझ महसूस हो रहा था या उनको एक ऐसी कैफियत से वो गुज़र रहे थे जिससे कि हम जब बहुत अपनों से तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है तो हम जिस तरह की कैफियत से गुज़रते हैं, और जब हम किसी दूसरे को बहुत ही ऐसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहे होते हैं जो बिल्कुल हकीकी और बहुत ही नुकसान देने वाली है, लेकिन वो बिल्कुल उस पर नचिंत होकर आपकी बात को इग्नोर करता है, तो जो उसकी तकलीफ़ होती है उस तरह की कैफियत अल्लाह ताला के नबी महसूस कर रहे थे। नबी बहुत ही मोहब्बत करने वाला दिल रखते हैं, तो जो उनके दिल में इसके लिए जो महसूस हो रहा था उसके हवाले से अल्लाह ताला ने उनको इसमें तसल्ली दी है और कहा है कि जो ये कर रहे हैं आप इनको इनके हाल पे छोड़ दें। इस जो सूरा ताहा है इसमें जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की सरगुज़श्त पूरी की पूरी सुना के उनकी वलादत, उनकी हिजरत, उनकी दावत, इस सारे मामले को उन्होंने बयान किया है, और इसमें नबी पाक को बहुत नबी पाक और उनके जो उस वक्त तक सहाबा उन पे ईमान लाए थे, जो मुश्किलात वो महसूस कर रहे थे वो सारी इस सरगुज़श्त में मौजूद थी, क्योंकि हज़रत मूसा की ज़िंदगी के वाक़यात नबी पाक की ज़िंदगी से बहुत मुमासलत रखती हैं। तो अल्लाह ताला ने पूरी ये उनकी सरगुज़श्त इस तरीके से सुनाई कि एक एक स्टेप पे नबी पाक को भी इसमें से तसल्ली मिली कि जो अंबिया होते हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक होती हैं, जिस तरह की वो मामलात से गुज़रते हैं उनमें इश्तराक है, लेकिन हज़रत मूसा की ज़िंदगी और नबी पाक की ज़िंदगी में तो बहुत ही मुमासलत है। तो उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने इसमें ये पूरी स्टोरी उनकी बयान की है, और तसल्ली इसमें से इस तरह निकलती है कि आखिरी फतह बावजूद इतने सारे ऑड्स के हज़रत मूसा की कौम ने पाई, हज़रत मूसा ने पाई, तो बिल्कुल नबी पाक के लिए भी यही है कि आखिरी फतह तुम्हारी ही होने वाली है। अगर हम देखें तो ये जो पूरी सूरा है ये तीन हिस्सों में डिवाइड की है। इसमें एक हिस्सा जो है उसमें प्योर अल्लाह ताला ने नबी पाक को मुखातिब करके उनको सब्र की और इंतज़ार की और इस्तकामत की तलकीन की है। दूसरे हिस्से में हसूल सब्र के लिए बाकायदा बताया है कि करना क्या है, यानी आपने नमाज से और नमाज और दुआ से काम लेना है, और उसके लिए बाकायदा नमाज की तरबियत बताई कि किस तरीके से कौन कौन सी नमाज पढ़नी है, यानी उसकी तफसील कर दी। हम जानते हैं कि नमाज जो है जितनी उससे सुकून और जितना हम उससे सब्र हासिल कर सकते हैं वो और किसी इबादत में उस तरह से हमें सुकून नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही कहा है कि मैं सबसे करीब तब होता हूँ जब आप सजदे की हालत में होते हैं, और सजदे में भी अगर पिछली रात का सजदा है तो उसमें तो अल्लाह ताला बहुत ही करीब होते हैं। तो ये इसमें हसूल सब्र के लिए नमाज और दुआ से काम लेने के लिए नमाज बाकायदा सिखाई गई। फिर यानी हसूल सब्र के लिए कैसे नमाज करनी है उसका जिक्र किया। फिर पूरी हज़रत मूसा की सरगुज़श्त सुनाई ताकि उससे नबी पाक और उनके जो उनके रुफ़क़ाएकार हैं, जो उनके साथ इस जिद्दोजहद में शामिल लोग हैं, वो इससे मोमिनीन जो हैं वो इससे सबक सीख लें कि आखिरी फतह उनकी होने वाली है।
सूरत के आखिर में तसल्ली है, तो हमने इस हवाले से जो सूरतें सिलेक्ट की हैं वो 128 से 132 तक की सूरतें हैं। इसमें अल्लाह ताला ने जो मामला होने जा रहा है, जो ये इतनी नचिंत होके बैठी हैं अजाब से, जो मामला इनके साथ होने वाला है, उसके बाद इनको अल्लाह ताला ने गौर दिलवाया है, तवज्जो करवाई है कि तुम्हारे इर्द गिर्द ही बहुत सारी कौमें, उनके रिमेन्स हैं, अगर तुम उनको ही गौर से देख लो तो तुम्हें इसमें से बहुत सी नसीहत मिल जाएगी। जिस तरह तुम अजाब को मजाक बना के, ठट्ठा लगा के मानते हो, तो उन कौमों को जो तुम्हारे बिल्कुल करीब रहती हैं, जिसमें आद और समूद की कौमें हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, अगर तुम उन्हीं को देख लो तो तुम्हारे लिए इबरत होगी। तो हम मुख्तसर इसका तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसील देख लेती हैं। जी, तो अजाब जो आखिरत में आने वाला है और जिससे बेपरवाह वो लोग बैठे हैं, उनका जिक्र होते हुए अब आगे अल्लाह ताला पिछली कौमों की मिसाल दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर क्या इन लोगों को इससे हिदायत नहीं होती कि इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, जिनकी बस्तियों में अब ये चलते फिरते हैं। ये बहुत धड़ल्ले से, बड़े ज़ोरदार तरीके से कहते थे कि कौन सा अजाब, कैसा अजाब, लाके तो दिखाओ हमें, कोई उसकी झलक तो दिखा दो। तो ये अल्लाह ताला उनको जवाब दे रहे हैं इस बात का कि तुम्हारे लिए अगर तुम देखना चाहो, कोई निशानी जानना चाहो, तो तुम्हारे तो इर्द गिर्द ऐसी ऐसी निशानियाँ इस हवाले से मौजूद हैं कि आद और समूद की बस्तियाँ मक्का के बहुत करीब मौजूद थी। तो अगर वो सबक हासिल करना चाहते कि अजाब आने की सूरत में नतायज क्या निकलने हैं, तो ये इबरत के लिए बहुत अच्छा नमूना थी। कहा, हकीकत ये है कि इसमें अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। लेकिन ये तो अकल के अंधे हुए हुए थे ना, ये तो अंधे हो गए हुए थे, अकल को इन्होंने बंद कर दिया हुआ था। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से ऐ पैगंबर, अगर एक बात पहले तय ना कर दी गई होती और मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर ना होती, तो जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया है उसकी पादाश में उन पर लाजमन अजाब आ चुका होता। यानी ये जो रवैया इनका था, जिस तरह ये ठट्ठा लगाते थे, जैसे ये नबी पाक और उनके सहाबा के साथ जो इनका रवैया था, इसकी सूरत में इन पे अजाब आना बनता था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी एक सुन्नत मुकरर कर रखी है, अजाब का एक वक्त तय है, तमामी हुज्जत के बाद अजाब जो है वो रसूलों की कौम पे आता है। तो इस हिसाब से उनको अभी मोहलत का पीरियड था, इसलिए उनके ऊपर अजाब नहीं आ रहा था। सो जो कुछ ये कहते हैं उस पर सब्र करो और अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। सूरज के निकलने और उसके गुरूब होने से पहले रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पे भी करो। यानी सब्र जो है उसके लिए हमने खुदा की तारीफ और खुदा की पाकी, खुदा की बड़ाई बयान करनी है। ये बड़ी सच और सही हकीकत है कि जब आप अल्लाह के साथ जुड़ते हैं, उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी आजजी के मुकाम पे खड़े होते हैं, तो फिर उस वक्त जो कैफियत आपकी होती है वो असल में सब्र की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हम्द और तस्बीह जो है उसका बेहतरीन मसर जो है वह नमाज की सूरत में होता है। और उसके लिए कहा कि वो सूरज के निकलने और उसके गुरूब होने से पहले करो, यानी फजर और मगरिब की नमाज़ें हो जाती हैं, और रात के औकात में भी तस्बीह करो, यानी रात की जो नमाज़ें हैं, नमाज है इशा की भी और नबी पाक तहज्जुद की भी पढ़ते थे, और दिन के किनारों पे भी, यानी जहर और असर की भी नमाज इसमें आ गई। इसलिए इसके सिले में खुदा की इनायतों से निहाल हो जाओगे। अल्लाह ने इसका बड़ा अजर रखा हुआ है। और इनके बाज़ गिरोहों को दुनियावी ज़िंदगियों की रौनक का जो सामान हमने उसमें उनकी आजमाइश के लिए दे रखा है, उसकी तरफ आँख उठा कर भी ना देखो। यहाँ दुनिया में ये बड़ा मामला होता है, हमें अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये फलाने के पास इतना कुछ है, फलाना जो है वो इतना मालो दौलत और ऐशो इशरत में है, तो अल्लाह ताला का नाम वो लेने वाला नहीं है और अल्लाह के साथ वो शरीक भी कर रहा है किसी को, फिर भी अल्लाह उसको दे रहा है। तो अल्लाह ने कहा इनकी तरफ आँख उठा के ना देखो,
इनके साथ मुकाबला ना करो। याद रखो, तुम्हारे परवरदिगार का रिस्क ही बेहतर है, वही बाकी रहने वाला है, यानी जो उसकी तरफ से तुम्हें मिलना है वो असल रिस्क है। तुम अपने लोगों को नमाज की तलकीन करो और ख़ुद भी इसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं मांगते कि इसके लिए तुम्हें इनके साज सामान की तरफ देखने की ज़रूरत हो। रिस्क तो हम तुम्हें देंगे, हम तुमसे तकवे का तकाजा करते हैं। तकवा अल्लाह का डर, अपनी हदूद आशनाई, अपनी परहेजगारी। हम तुमसे तकवे का तकाजा करते हैं और अंजाम की फिरोजमंदी तकवे के लिए ही है। तकवा बेहतरीन अमल, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें कहा कि अल्लाह ताला बेशक मुत्तकी लोगों के साथ है। तो इसके साथ आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये तो हमारा एक पोर्शन था जो हमने सूरह ताहा में से लिया और उसकी तफसील आपको बताई। अब इसकी जोड़ा सूरत है सूरह अंबिया। ये भी इसमें जो मौजू है वही इंसार का ही मौजू है। और इसमें जैसे पिछली सूरत में हज़रत मूसा का वाक़या, सिर्फ हज़रत मूसा का वाक़या पूरी तफसील के साथ, यानी वलादत, हिजरत और दावत पूरे उन स्टेप्स के साथ बयान करके अल्लाह के नबी और उनके फ़काएकार हैं उनको तसल्ली दी जाए और उनको बताया जाए कि ये तमाम अम्बिया जिन मराहल से गुज़रे उन्हीं मराहल से तुम लोग भी गुज़र रहे हो, और उनको भी इसी तरह से सताया गया, इसी तरह से उनकी बातों का मजाक उड़ाया गया। तो आखिरी फतह हमेशा अल्लाह ने अपने रसूलों की, अपने नबियों की। तो तुम उसके लिए इंतज़ार करो। और इसमें जो बेसिकली तो जो कुरैश के सरदारों की हालात थे, यानी नबी पाक और कुरैश के सरदारों के दरमियान जो कश्मकश चल रही थी, ये उसी की सारी उसका बयान है। और वो ये कहते थे कि ये एक आदमी यानी बशर क्यों इस तरह से अल्लाह का नुमाइंदा या अल्लाह का रसूल बन के आया है, ये कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। तो अल्लाह ने उनके जवाब दिए हैं, अल्लाह ने मुख्तलिफ और भी जगहों पर कुरान पाक में इसका जवाब दिया है, जो जो इनकार करने वाली कौमें हैं उनको। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने जो अम्बिया या नबी उस वक्त रसूल पाक के हवाले से जो सवालात उठाए या जो कुरान के हवाले से सवालात उठाए और उनके बारे में ऐसी बेपर की बातें की जो कि ना मानने वाले हमेशा से करते आए हैं, तो अल्लाह ताला ने इसमें उनका भी जवाब दिया। और जो अहम चीज़ इसमें बताई गई वो ये थी कि ज़िंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो कारखाना है कुदरत या ये दुनिया बनाई है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बाजीचा या अतफाल है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपने मज़ा करने, इंजॉय करने या खेल तमाशे के लिए हो, बल्कि इसका एक मकसद है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया एक मकसद के लिए बनाई है, और अगर इस मकसद को ये नहीं समझते, इस मकसद में सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि इसमें आखिरत बर्पा होनी है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें पाक होने के लिए भेजा है, आजमाइश के लिए भेजा है, इसको हमने समझना है। और निजात इसी में है कि हम ईमान ले आएं। तो अगर ये नहीं लेके आते ईमान, तो फिर इनका जो अंजाम होने वाला है उसके लिए तैयार रहें। और अल्लाह ताला ने इसमें शुरू ही इसमें इसी तरह से किया कि ये जो मांग रहे हैं ना अजाब, सूरत ताहा में ये आखिर तक कह रहे थे ना कि अजाब दिखाओ, तो इस सूरत को अल्लाह ताला ने शुरू ही इस तरीके से किया कि अजाब आना ही चाहता है। तो जिस सरकशी और जिस तरह से ये बातें कर रहे थे, उसका बयान और उस पे तंबीह की आयत के बाद 16 और 17 आयत में अल्लाह ताला ने इनकी सरकशी को जैसे अच्छे जो एक डांट होती है उसके अंदाज़ में इनको बताया है कि तुम क्या समझ रहे हो कि दुनिया मैंने सिर्फ ऐसे ही बनाई है। मैंने दुनिया किसी मकसद के तहत बनाई है, और अगर तुम उस मकसद को नहीं समझ पा रहे तो तैयार हो जाओ, तुम्हारे ऊपर अजाब का कूड़ा बरसेगा। तो हम आयत 16 और 17 को देखते हैं, जिसमें बताया सूरह अंबिया आयत 16 फरमाया,
हमने ज़मीन और आसमान को और उसको जो इनके दरमियान है कुछ खेल तमाशे के तौर पे नहीं बनाया। अगर हम कोई खेल बनाना चाहते तो इसका एहतमाम अपने पास ही कर लेते अगर हमको यही करना होता। यानी अव्वल तो ये हमारे शयान शान ही नहीं, और अगर हमने ये करना ही था तो फिर हम इस तरह से यहाँ क्यों करते। ये उस ज़ाते बारी ताला जो अपना तारुफ रहमान और रहीम से करवाती है, ये उसके शयान शान नहीं है। कहा कि हरगिज़ नहीं, बल्कि एक दिन आने वाला है कि हम हक को बातल पर मारेंगे और वो उसका सर तोड़ देगा। फिर उस वक्त देखो कि वो नाबूद हो गया, यानी बातल ख़त्म होने के लिए। बातल है ही नहीं, हक ही होता है। बातल जो है वो तो एक गुमान है, ख्याल है, एक सोच है, तो वो ख़त्म कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए बड़ी ख़राबी है उन बातों की वजह से जो तुम बयान करते हो। ये बहुत मुख्तसर सी दो आयात हैं, लेकिन इसमें बहुत ही पैगाम अहम है हम सब के लिए कि अल्लाह ताला की ये जो पूरी तख्लीक है कायनात की, ये दुनिया जो उसने बनाई है, ये खेल तमाशे के लिए नहीं है। इसका मकसद है, इसका जो मकसद है उसको समझें, उसको जानें। यही मेरा आज का आपको पैगाम है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इस चीज़ को अगर समझ लें कि हमारे खुदा ने इस दुनिया को किस मकसद के तहत बनाया है, और उस मकसद को हम समझते हुए उसको पूरा करने की कोशिश करते हुए इस दुनिया से जाएं, यही असल में मतलूब है। वाख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली दोनों सूरतों के साथ दोबारा हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।